एक संत और उनका शिष्य धर्म प्रचार करने के लिए गांव-गांव घूमते थे। उन्हें एक गांव में रहते हुए काफी दिन बीत गए। एक दिन संत ने शिष्य से कहा और चलने का निर्देश दिया और शिष्य ने पूछा, गुरुदेव यहाँ तो बहुत चढ़ावा आ रहा है और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, क्यों ना हम कुछ दिन बाद चलें, तब तक और चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा। संत बोले, बेटा हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना, हमें तो त्याग के रास्ते पर चलना है। गुरु की आज्ञा सुनकर शिष्य कुटिया को छोड़ चल दिया, लेकिन चलते चलते गुरु की आंखों से बचाकर कुछ सिक्के चोरी से झोली में डाल लिए। दूसरे गांव में जाने के लिए उन्हें एक नदी पार करनी थी। जब वे नदी तट पर पहुंचे तो नाव वाले ने कहा कि मैं नदी पार करने के 2 सिक्के लेता हूँ। संत के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वे वहीं आसन लगाकर बैठ गए। सुबह से शाम हो गई, ना तो कोई भगत आया और ना ही वो नाव वाला माना। अंधेरा होते देख शिष्य ने अपनी झोली से 2 सिक्के निकाले और नाव वाले को देकर बोला कि अब तो हमें पहुंचाओगे। अपने शिष्य को देखकर संत मुस्कुराते हुए बोले कि जब तक सिक्के तुम्हारी झोली में थे हम कष्ट में रहे, तुमने इन्हें त्यागा, हमारा काम बन गया। दोस्तों, कहानी से सीखने को मिलता है कि त्याग आगे बढ़ने का माध्यम भी है। आपको किसी भी चीज को पाना है तो उसके लिए आपको किसी न किसी चीज को त्यागना भी होगा, क्योंकि कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और इसी तरह की मोटिवेशनल, इंस्पायरेशन एंड गुड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।